आई नो, ये बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, है ना दोस्तों। मैसूर जू और मैसूर पैलेस के दौरे के बाद हम चल पड़े हैं ऊटी की ओर। अगर आपने अभी तक मैसूर पैलेस का एपिसोड नहीं देखा तो लिंक आपकी स्क्रीन पे है, डू चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों, हम जैसे ही मैसूर पैलेस से निकलते हैं हमारी बॉडी का फ्यूल कम हो जाता है, तो हम रुकते हैं नारियल का पानी पीने। हाँ, ये काफी मजेदार था। ऊटी, जिसे आधिकारिक तौर पर उदगमंडलम के रूप में जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में एक शहर और एक नगर पालिका है। यह कोयम्बतूर के उत्तर में 86 किलोमीटर और मैसूर से 128 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और नीलगिरी जिले का मुख्यालय है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। स्थानीय निवासी इसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। मैसूर से ऊटी पहुंचते काफ़ी अंधेरा हो गया। हम करीब 7 बजे ऊटी पहुंचे थे। रात हो चुकी थी और बाहर काफ़ी ठंड भी थी। अगर आप आए तो स्वेटर जैकेट लाना ना भूले, वरना यू नो। गुड मॉर्निंग ऊटी। सुबह के पहली किरण के साथ हम निकल पड़े हैं सिम्स पार्क के दौरे के लिए। ऊटी से सिम्स पार्क कुनूर में करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है। ऊटी का प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है और यह एक लोकप्रिय ग्रीष्म ऋतु की पसंदीदा मंजिल है। उदगमंडलम यानी कि ऊटी मूल रूप से अन्य पहाड़ी जनजातियों के साथ साथ टोडा के कब्जे वाली एक आदिवासी भूमि थी, जो विशेषता और व्यापार के माध्यम से सह अस्तित्व में थी। क्या आप जानते हैं, ब्रिटिश यानी के अंग्रेजों का कहना था कि ऊटी किसी भी स्विट्जरलैंड या यूरोप के किसी भी देश से कम नहीं दिखता। टा टा टा। ऑलराइट दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सिम्स पार्क। सिम्स पार्क की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। सिम्स पार्क की एंट्री फीस है 30 रुपीस पर पर्सन फॉर एडल्ट्स, 15 रुपीस पर पर्सन फॉर चिल्ड्रन, 50 फॉर स्टील कैमरा एंड 100 रुपीस फॉर वीडियो कैमरा। जब आप ऊटी में लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों की खोज कर रहे हैं, तब कुनूर में सिम्स पार्क के लिए कुछ समय निकालना सुनिश्चित करें। यकीन मानिए, यहाँ बहुत ही सुंदर और लुभावने मौसम में आपको सैर करने का आनंद कुछ अलग ही मिलेगा। यहाँ रंगीन और जीवंत फूलों की करीब 1000 से अधिक प्रजातियों के साथ सिम पार्क का एक अच्छी तरह से बनाए रखा बॉटनिकल गार्डन है, जहाँ आप लुभावनी दृश्यों की खोज के साथ साथ प्रकृति का आनंद भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फूलों को तोड़ना मना है, आपको फाइन भरना पड़ सकता है। सिम्स पार्क यह एक सुहावना और आनंदपूर्ण दर्शनीय स्थलों के प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक उत्कृष्ट और दर्शनीय स्थल है। सिम पार्क आपको हरे भरे हरियाली के बीच कुछ उत्तम समय बिताने देता है। कुन्नूर के उत्तरी किनारे पर स्थित पार्क उन सभी लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो मेट्रो जीवन से दूर भागने की तलाश कर रहे हैं। यह अनोखे विदेशी पौधों के बीच छिपे रहस्यों को खोजने के लिए एक विशाल आधार है और आपके
ऊटी दौरे पर रोमांचक दोपहरों के लिए एक परफेक्ट जगह है। और हाँ, कुछ ही देर में यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना होने वाला है। वीडियो पूरी देखिएगा, वरना इस पार्क की असली खूबसूरती आप मिस कर देंगे। करीब 30 एकड़ की भूमि के क्षेत्र में फैला हुआ यह पार्क मुख्य रूप से चार भागों में फैला हुआ है, जैसे कि एक छोटे लिली का तालाब, एक गुलाब बाग, एक नौका विहार क्षेत्र और एक फूल और पौधों के क्षेत्र में विभाजित है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लाए गए पेड़ों की एक श्रेणी का दावा करता है और सुंदर फूलों के साथ सैर करने के लिए रास्ते भी हैं। पार्क के अन्य मुख्य आकर्षण में सुंदर सजावटी पेड़, किंग्सलैंड, कारी पाइन और रुद्राक्ष के पौधे शामिल हैं। दिलचस्पी का एक और अवसर इसका फ्रूट और वेजिटेबल शो है, जो पिछले 53 वर्षों से विस्तार में बागवानी विभाग द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया जाता है। यह एक 2 दिवसीय मामला होता है जो पौधों की विभिन्न विदेशी प्रजातियों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार दुनिया के विभिन्न कोनों से हर साल लगभग 25,000 प्रवासी आकर्षित होते हैं। यह कार्यक्रम मई में आयोजित एक एनुअल शो है। यहाँ नीलगिरी में एक अनोखा ट्रॉपिकल मौसम है, इसलिए बगीचे में बढ़ते हुए फूलों और पेड़ों के लिए आदर्श मौसमी अवस्था है। तापमान तब्दीली कम होती है और स्थानीय लोगों में वर्षा का फैलाव एक समान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबे फूलों का मौसम होता है। बगीचे में पूरे साल और यहाँ तक कि सर्दियों में भी हजारों पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। यहाँ का मौसम वाकई बहुत ही लाजवाब है। सैकड़ों साल पहले कुनूर में सिम्स पार्क का नाम ब्रिटिश अधिकारी श्री जे.डी. सिम्स के नाम पर रखा गया था, जो सरकार के सचिव थे और शुरुआत में यह टूरिस्टों के लिए आरामदायक और रोमांचक प्रवास का आनंद लेने के लिए एक रिसोर्ट के रूप में शुरू हुआ था। हालांकि 1874 में मेजर मुरे और जे.डी. सिम्स के संयुक्त मार्गदर्शन में पार्क को बगीचे में परिवर्तन किया गया, तब से यह पर्यटकों के लिए पौधों की असामान्य प्रजातियों और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेड़ों पर एक नज़र डालने के लिए एक आम आधार बन गया है। यहाँ के ये बड़े बड़े पेड़ और ये ठंडे कोहरे के बीच ये जगह आपके दिल को एक सुकून देती है और जी करता है यहाँ बैठ के आराम से पूरा दिन सुंदर नज़ारों के बीच यहीं बिताए। यकीन मानिए, सच कह रहा हूँ, ये जगह शायद स्क्रीन पे आपको आम से दिख रही हो,
पर यह काफ़ी अद्भुत, शांत और मन को मोह लेने वाली है। प्रकृति की खोज करके आप स्वयं को खोजते हैं, क्योंकि प्रकृति हमेशा आत्मा के रंग पहनती है। एक रास्ता है कि प्रकृति बोलती है, यह भूमि यह भी बोलती है। ज़्यादातर समय हम केवल धैर्यपूर्वक चुपचाप पर्याप्त नहीं होते हैं कहानी पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि हम आधुनिक दुनिया में काफ़ी खो चुके हैं। सिम पार्क में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अपने जीवन में कुछ रोमांच का अनुभव करने के लिए नौका विहार में अपना हाथ आजमा सकते हैं, छोटे बोटिंग क्षेत्र में कपल और परिवार दोनों के लिए पैडल बोट उपलब्ध है। आप जितनी चाहें उतनी तस्वीरों में कैद हो सकते हैं। यहाँ आप प्रोफेशनल फोटोग्राफरों से अपनी शानदार तस्वीरों को क्लिक करने के लिए कह सकते हैं। आप यहाँ समय निकालने के लिए, अपने बच्चों के साथ अपने जीवन का सही समय बिताने के लिए पिकनिक के बास्केट ले आए, या वास्तव में अपने प्रियजनों के साथ कुछ आनंदमय समय का अनुभव करने के लिए अद्भुत जगह है। ध्यान रखिएगा, पार्क में कहीं पे भी कचरा ना फैलाएगा। यह जगह निश्चित रूप से आपके बच्चों द्वारा बहुत ही पसंद की जाएगी। यहाँ का तापमान अधिकतम 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 5 डिग्री तक रहता है। ये काफी मजेदार रहेगा। यदि आपने पहले से ही सिम पार्क का दौरा नहीं किया है तो आपको इस वर्ष के समाप्त होने से पहले इसका दौरा करना चाहिए। सर्दी के मौसम में वहाँ चारों ओर खूबसूरती होती है और आपकी यात्रा के हर पल को सार्थक बनाती है। जरा देखिए इस शानदार नजारे को, ये काफ़ी अद्भुत नज़ारा है जिसे देखने कई लोग विदेश तक जाते हैं। ये नज़ारा हम कितना भी देखें कम ही लगेगा। नीलगिरी एक अद्वितीय उष्णकटिबंधीय पहाड़ी मौसम के साथ समृद्ध है, जो बढ़ते पेड़ों और फूलों के बगीचों के साथ आदर्श मौसम की परिस्थितियां देता है। 1780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह शानदार है। सिम्स पार्क काफ़ी सुंदर और बड़ा है। अभी तो काफ़ी कुछ देखना बाकी है, पर हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ का मुख्य आकर्षण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले शोला जंगल और कोबल्ट। यह एक घुमावदार फुटपाथ वाला क्षेत्र है जो इस पार्क को एक पुरानी दुनिया का देहाती आकर्षण प्रदान करता है, जहाँ हम कुछ देर में पहुँचने ही वाले हैं।
जरा देखिए इस नक्काशीदार झाड़ी से बने अल्फाबेट्स को जो दर्शाता है एंजॉय सिम्स पार्क। सिम्स पार्क में आपका स्वागत है, जिसकी रचना आंखों को खींच लेती है। ये वाकई लाजवाब गार्डनिंग का नमूना है। ये काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन रखा गया है। सिम पार्क में बच्चे भी तालाब में मौज मस्ती करने वाले मछलियों का सुंदर नज़ारा पा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं खूबसूरत बने फ्लोरल वर्ल्ड मैप को, जिसमें भारत आपको यहाँ दिखाई देगा। थोड़ी आगे जाते ही मुझे एक छोटा सा पानी का झरना दिखा, जिससे पानी बह रहा था, जिसकी आवाज मुझे किसी मेडिटेशन से कम नहीं लग रही थी। सिम पार्क न केवल दृष्टिगत है, बल्कि कुन्नूर के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है, जो कुछ प्रकृति गतिविधियों में शामिल है। आप यहाँ एकांत के कुछ पल भी बिता सकते हैं। निसी शहर के जीवन के शोर शराबे से असंतुष्ट हो तो आप यहाँ पे अपने विचारों में डूबी एक लंबी एकांत यात्रा कर सकते हैं। यदि आप अपने किसी चाहने वाले के साथ हैं, तो कुछ चंचल रोमांटिक हंसी मजाक में शामिल होने के लिए यह एक शानदार जगह है। जरा इस विशाल पेड़ को देखिए, ये बहुत ही चौड़ा और लंबा है, जिसे आप भी देख पा रहे हैं। ये पेड़ इस पार्क का सबसे पुराना पेड़ है। ये लाजवाब है। ये पेड़ एकेलुप्टस यानी के नीलगिरी का है। ये फूल वाले पेड़ों की 700 से अधिक प्रजातियों में से एक है। नीलगिरी की अधिकांश प्रजातियाँ ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है। ये एक विशाल पेड़ है, जो आपको शायद ही कहीं शहर में देखने को मिले। ये 100 साल से अधिक पुराना है और अच्छे से संभाला गया है। मुझे ये बेहद पसंद आया। क्योंकि पार्क में सीढ़ियाँ हैं, इसलिए आपको हल्के और आरामदायक जूते पहनने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आप थक सकते हैं। यदि आप वार्षिक फ्रूट और वेजिटेबल शो में हिस्सा लेना चाहते हो, तो मई के महीने में सिम्स पार्क का दौरा करने की योजना बनाएं।
क्योंकि यहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो सकता है, तो कुछ गर्म कपड़े लाना न भूले। अगर आप वरिष्ठ नागरिकों के साथ यहाँ का दौरा कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ की भीगी सीढ़ियों पे सावधान रहना ज़रूरी है। यह बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर है। ऐसे आकर्षक बगीचे को बनाए रखने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, जिसमें हजारों पेड़ों की प्रजातियां होती है, काफ़ी ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ कचरा न फैलाए। यह जगह कुनूर का रत्न है, तो उससे रत्न की जैसा ही व्यवहार रखें। पार्क में लोगों को बैठने के लिए और प्रकृति का आनंद लेने के लिए कुर्सियां भी उपलब्ध है। पार्क में किसी भी भोजन या नाश्ता का उपलब्ध नहीं है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर कुछ घंटों से अधिक समय बिताते हैं। कुछ हल्का नाश्ता अपने साथ रखना उचित रहेगा, खासकर अगर आप बच्चों के साथ हो तो। पर हाँ, डस्टबिन का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि यह पार्क समुद्र तल से 1780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए अक्टूबर से फरवरी तक इस स्थान पर जाने की सलाह दी जाती है। इस दौरान मौसम काफ़ी सुहावना बना रहता है। हालांकि यदि आप फलों और सब्जियों के शो के वार्षिक प्रकरण का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इसे मई के महीने में भी देख सकते हैं। अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और शारजहाँ से कोयम्बतूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ान कर सकते हैं। कम से कम समय में कुन्नूर पहुंचने के लिए, यह कुन्नूर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का विकल्प चुन सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट टाइम।